नमस्कार क्रांतिकारी, बहुत क्रांतिकारी में आपका स्वागत है। साल के सबसे बड़े पीएनबी घोटाले में छापेमारी लगातार जारी है, लेकिन अब तक नीरव मोदी का कोई सुराग नहीं मिला है। 6 राज्यों में नीरव मोदी के 20 ठिकानों पर छापेमारी की गई। मुंबई में नीरव मोदी के काला घोड़ा शोरूम में कई घंटों तक की, यहां से 4 ट्रक सामान जब्त किया गया। इसके साथ ही नीरव मोदी पर जांच एजेंसियों का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और उसका पासपोर्ट भी रद्द कर दिया गया। भारत का 11,356 करोड़ रुपया लेकर विश्व भ्रमण कर रहे नीरव मोदी के बारे में भारत सरकार को कुछ पता नहीं है। उसकी पत्नी एमी मोदी के बारे में भी भारत सरकार को कुछ पता नहीं है। उसके भाई निशाल मोदी के बारे में भी भारत सरकार को कुछ पता नहीं है। उसके कारोबारी साझेदार मेहुल चौकसी के बारे में भी भारत सरकार को कुछ पता नहीं है। और 11,500 करोड़ के लापता गंज में भटकती सरकार पर विपक्ष ने धावा बोल रखा। क्या कर रही थी सरकार दो दो तीन तीन चार चार साल से? जब ये लोग भाग गए तब सीबीआई इनके लिए नोटिस भेजती है, तो ये तो धीरे धीरे दिखता है ना कि अंदर बहुत बड़ा षड्यंत्र था सरकार के अंदर। ये तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री के दफ्तर को उन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। इनकी मिलीभगत तो बहुत सीधी दिखती है। अब यूरोप में फरारी का मजा ले रहे नीरव मोदी, उसकी पत्नी, भाई और साझेदार के खिलाफ इंटरपोल ने नोटिस जारी कर दिया है। एक दिन पहले ईडी ने उसके 17 ठिकानों पर छापा मारा था। दावा है कि 5,100 करोड़ के हीरे जवाहरातों की जब्ती भी हुई है। 6 संपत्तियां सील करने का दावा भी हुआ है। जो ऑडिट के लोग हैं उन्होंने इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री को 2013 को बताया था। 10 चिदम्बरम उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, उसने कुछ ये नहीं किया। फिर हमारी सरकार आई, हमारी सरकार को भी पता था तो कुछ किया नहीं। तो ये हमारी पार्टी में भी ही लोग हैं जो समझते हैं कि करप्शन में आस्ते आस्ते जाना चाहिए। मजे की बात यह है कि नीरव के संपत्तियों की जो जब्ती हुई है उसके कीमतों का आकलन अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन सरकार ने पहले ही बता दिया कि 5,100 करोड़ रुपए के आसपास बैठता है। ईडी ने सर कल एक दिन की कैलकुलेशन में ही बता दिया कि 5,100 करोड़। आपको लगता नहीं है कि बेहद जल्दी ही इतनी बड़ी कैलकुलेशन कैसे की जा सकती है? बस आपने देखा कि प्रभावी कार्रवाई हो रही है, प्रभावी कार्रवाई हो रही है। क्या कार्रवाई आगे रहने वाली है? जो सर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आपके समय में नीरव मोदी के खिलाफ FIR लेट दर्ज हुई और उनको भागने का मौका नहीं। कुछ नहीं, जितनी शीघ्र कार्रवाई हो सकती है उतनी शीघ्र कार्रवाई। क्या लगता है नीरव मोदी? भारतीय बैंकिंग सिस्टम के सबसे बड़े घोटाले ने मोदी सरकार के होश उड़ा रखे हैं। वो इसे कांग्रेस के जमाने का घोटाला बताकर बचने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन 2017 में नीरव मोदी की कंपनियों को दिए गए LOU और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उसकी तस्वीरों से पीछा छुड़ाना उसके लिए जरा मुश्किल हो गया। जब केस डिटेक्ट हुआ और वो आदमी डावोस में देखा गया प्रधानमंत्री जी के ठीक पीछे, कानून एक ट्रैक्टर के लोन डिफॉल्टर को गले में रस्सा बांध करके थाने पर ले जाता है, और वही कानून नीरव मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी के लिए कुछ नहीं है। मैं समझता हूं आज प्रधान चौकीदार जो वो कहते थे, आज वो एक्सपोज हो गया पूरा का पूरा मामला। मोदी सरकार के लिए इस सवाल का जवाब देना भी मुश्किल हो रहा है कि 31 जनवरी को हवाला का केस दर्ज होने के ठीक पहले ही सारे आरोपियों ने देश कैसे छोड़ दिया। पहले नीरव मोदी भाई निशाल मोदी के साथ 1 जनवरी को ही छुट्टी मनाने भारत से निकल गया। साझेदार मेहुल चौकसी धीरे से 4 जनवरी को भारत से निकला और उसकी अमेरिकी बीवी एमी मोदी ने 6 जनवरी की फ्लाइट पकड़ी। बच गई CBI, बच गया ईडी और बच गई भारत की सरकार। भारत छोड़कर भागे भारतीय बैंकिंग सिस्टम के सबसे बड़े घोटालेबाजों के पीछे लकीर पीटने के लिए। सरकार सफाई देती है, लेकिन ये बात अस्पष्ट है कि आखिर उसको जाने कैसे क्यों दिया गया। हमें नहीं लगता है कि असली जो कल्पित है वो पकड़ा जाएगा। अब वही हो रहा है जो ऐसे हर मामले के बाद होता है, मुकदमा, खोज, जब्ती। ईडी ने विदेश मंत्रालय से नीरव और उसके रिश्तेदारों के पासपोर्ट रद्द करने को कहा है। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के गीतांजलि जेम्स के 17 ठिकानों पर छापे डाले गए हैं। मुंबई, दिल्ली, सूरत के घरों, दफ्तरों और संस्थानों की तलाशी का नाटक हुआ। पीएनबी बैंक घोटाले में इस वक्त तकरीबन 20 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी हो चुकी है। ईडी और CBI कल से ही ये सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और इस वक्त
काला घोड़ा में नीरव मोदी का शोरूम है उसके बाहर हम लोग मौजूद है। कल से ईडी के ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं और अभी तक सर्च चालू है। कई डॉक्यूमेंट सीज किए गए हैं, कई दुकानों को सील किया गया है। नीरव मोदी कमाल का आदमी है और उससे भी कमाल का है पंजाब नेशनल बैंक कि सालाना मुनाफे का 8 गुना एक ही आदमी पर लुटा दिया और किसी को कानों कान खबर नहीं होने दी। खबर हुई तब जब सब भारत छोड़कर छुट्टी मनाने निकल गए। विदेशी पासपोर्ट धारियों पर कृपा की ऐसी बारिश हुई है कि जनता मुंह बाए खड़ी है, हाय हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। आज तक ब्यूरो। नीरव मोदी के घर ठिकानों शोरूम पर ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। मुंबई के काला घोड़ा शोरूम में रेड के बाद ट्रक भर भर कर सामान निकाले गए। जायसवाल हमारे संवाददाता कमलेश सुतार ने पिछले 24 घंटों से ज्यादा नीरव मोदी के काला घोड़ा के शोरूम में सर्चेस चल रहे थे। आप देख सकते हैं इस वक्त जो भी मटेरियल वहां से सीज किया गया है उसको लिया लेके जाया जा रहा है। ये सीज आप देख सकते हैं, ये जो पिटारे हैं इनको पूरी तरह से कल से यहां पर वैल्यूएशन चल रहा था, उसके बाद इस पूरे मटेरियल को सीज किया गया। आप देख सकते हैं 24 घंटों के बाद ये जो दरवाज़ा है यहाँ का वो खुला है। ईडी के ऑफिसर्स पूरे इस शोरूम के अंदर पिछले 24 घंटों से ज़्यादातर आप देख सकते हैं कि संदूक भरकर ये मटेरियल यहाँ पर आया जा रहा है। इस शोरूम के अंदर कल से वैल्यूएशन चल रहा था। यहाँ पे ये सबसे बड़ा शोरूम माना जाता है नीरव मोदी का और इसी शोरूम से ये पूरा जो है मटेरियल जब्त किया जा रहा है। इंक्वायरी का बहुत क्रूशल हिस्सा होगा, इसे पूरी तरह से सील किया गया और इसे पंजाब नेशनल बैंक के करेंसी में लिया जाएगा। हमें देखना पड़ेगा कि आखिर इसमें पूरा किस तरह का मटेरियल सीज किया गया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इनमें मिले और किस तरह का एविडेंस इससे क्रिएट हो सकता है। कैमरन साई प्रसाद पाटिल के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। एक दिन पहले कहा गया कि कुल 5,000 करोड़ के सोने के गहने हीरे जब्त किए गए हैं और आज इस आंकड़े में 3,000 करोड़ का इजाफा हुआ। मुंबई में आज तक ने सारी छापेमारी और खुलासे पर खास कवरेज के इंतजाम किए हैं। हमारे संवाददाता वीरेंद्र घुनावत की रिपोर्ट। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है लेकिन अब भी प्रवर्तन निदेशालय नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की तमाम रिटेल आउटलेट से वहां अभी भी जांच कर रही है, छापेमारी कर रही है। लेकिन आज का जो प्रोसेस है वो वैल्यूएशन का है क्योंकि ईडी के सूत्रों ने जो आज तक को बताया है कि भी जो छापेमारी का जो काम है वो अधिकतर हो चुका है। यानी देश भर के तमाम जो बड़े शहर है वहाँ कई जो रिटेल आउटलेट्स है, गीतांजलि ले लीजिए, जिली ले लीजिए या फिर नक्षत्र ले लीजिए या फिर नीरव मोदी के तमाम जो आउटलेट्स है सभी जगह रेड करके उनके सारी जो डायमंड्स, प्रीशियस स्टोन और जो जितने भी जेवरात है उसे सीज कर दिया गया है। और जो अमाउंट है कुल वो कल रात तक का जो आंकड़ा था वो 5,100 करोड़ का आंकड़ा था। लेकिन अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम जो ईडी का बचा है वो है वैल्यूएशन का। क्योंकि सबसे पहली जो स्ट्रैटेजी थी ये प्रवर्तन निदेशालय की वो ये थी कि यदि थोड़ी सी भनक अगर पड़ जाती नीरव मोदी को तो हो सकता था जो ये रिटेल आउटलेट है वहाँ से सारे डायमंड्स और सारे ज्वेलरी गायब हो जाते और अब एजेंसी के हाथ में कुछ न लगता। लेकिन भनक पड़ने से पहले ही उन्होंने छापेमारी शुरू कर दी थी और उसके बाद अब वैल्यूएशन का काम चल रहा है और वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है क्योंकि वैल्यूएशन की जो रिपोर्ट आएगी वो आते आते शाम तक फाइनल आंकड़ा आ जाएगा। लेकिन जो 5,100 करोड़ का जो प्रॉपर्टी सीज की गई है वो अमाउंट बढ़ सकता है क्योंकि अब भी ईडी का वैल्यूएशन चल रहा है। कैमरा पर्सन किरण सपकाल के साथ वीरेंद्र सिंह नावत, मुंबई आज तक। पीएनबी के डिप्टी मैनेजर रहे गोकुलनाथ शेट्टी के घर तक संवाददाता पहुंचे लेकिन वो नहीं मिले। क्या हुआ वहां? आप लोग कहाँ से सर? सीबीआई से क्या सर बात कर रहे हैं वो लोग? पता नहीं, अभी मैं आपको कोई डिटेल नहीं दे रहा। नहीं सर, नहीं मैं डिटेल्स मत दीजिए, बट जो बस आप लोग सुपीरियर ऑफिसर फिलहाल वेरिफिकेशन हो रहा है। अच्छा, एक बड़ी पूछताछ की गई सर, आपकी टीम तो ऊपर गई है तो कुछ बोल ले रही है। वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक की जीत। कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कम हुआ तमिलनाडु कोटे का पानी, कर्नाटक को मिलेगा करीब 15 TMC ज्यादा पानी। चुनाव से पहले फैसले से गदगद सीएम सिद्धरमैया। We have made arrangements for protecting the Karnataka establishments like the State Bank of Karnataka, ATM and all. दक्षिण के दो विशालतम सूबों की सांसें टंगी हुई थी कि पता नहीं सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आने वाला है।
कावेरी के पानी पर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच दशकों से जारी जल युद्ध का नतीजा आया तो कर्नाटक में माहौल उत्सवी हो गया और तमिलनाडु उदास हो गया। जिस तरीके से वो पानी जो आना चाहिए था, जिस तरीके से पानी का जो पैमाने पे हमको मिलेगा, सो वही है कि भाई पानी जो है हमको 270 टीएमसी का एलोकेशन था पहले, और अभी जो है उसको एनहांस करके 284.75 किया हुआ। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अमिताभ रॉय और एएम खानविलकर की खंडपीठ ने अपने फैसले में साफ कहा कि नदी पर कोई भी राज्य दावा नहीं कर सकता है, लेकिन इसके पानी के बंटवारे की व्यवस्था कोर्ट ने कर दी है। कोर्ट ने तमिलनाडु के हिस्से का पानी घटाकर 177.25 टीएमसी कर दिया है, वहीं कर्नाटक को 284.75 टीएमसी पानी मिलेगा। इससे कर्नाटक को 14.75 टीएमसी पानी का फायदा मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि कावेरी के जल में कर्नाटक का हिस्सा इस तथ्य को देखकर बढ़ाया जा रहा है कि बीते दिनों में बेंगलुरु में पीने के पानी की मांग बढ़ी है, साथ ही राज्य के औद्योगिक इलाकों में भी पानी की खपत में बढ़ोतरी हुई है। 4.75 ज्यादा टीएमसी पीने के पानी देने के लिए बेंगलुरु को देने के लिए आदेश भी दिया है। ये मॉनिटरिंग कमेटी पोस्टपोन किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट हाथ में है, वो भी करना है। पहले बार अपर रेपेरियन स्टेट का जीतेंगे, पहले बार जीत गए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कर्नाटक के पक्ष में आने पर राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने खुशी जताई है। फैसले से पहले कर्नाटक में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई थी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु और मैसूर में करीब 10,000 जवानों को तैनात किया गया था। तमिलनाडु में भी सुरक्षा की व्यवस्था बेहद कड़ी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद दंगल। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।